बैंग कितना बड़ा है ये मुगल डायनेस्टी है। जब दुश्मन यहाँ घुस जाएगा फिर दुश्मन के लिए एक और गेट रहता था यहाँ पे भी फोड़म फाड़ी होती थी, बहुत महंगा फोड़म फाड़ी। तो भाई यहाँ से किले की एंट्री है, आई डोंट नो ये गेट मेन है कि कौन सा है। भाई साहब भाई ओ भयंकर कितना बड़ा है ये भाई। जब दुश्मन दोनों गेट पार कर देता, तीसरा गेट क्या वाला था, तीनों गेट पार करके जब यहाँ आता था ना, इधर से हॉट वाटर मेरे इधर, इधर से दोनों साइड से हॉट वाटर, अब वो स्लोप में नीचे आता था, इस तरह दुश्मन फिसल जाता था। सो गाइस दिस इज पार्ट ऑफ, पहले मुझे भी यकीन है, मुझे लगा ऐसे पत्थर होगा। ये देखो ना इसमें अंदर भी सीढ़ी लगी गाइस नीचे। वो रहा ताजमहल क्या, देखो ना जन्नत। सो यार ताजमहल तक हमारा सफर बहुत 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 अच्छा था। बाकी अभी हम यहाँ से जा रहे हैं रेड फोर्ट, नहीं सॉरी आगरा फोर्ट। मैं बार बार बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहा हूँ। अभी हम जा रहे हैं आगरा फोर्ट, अब चलते हैं हम भी देखते हैं आगरा फोर्ट में हमें क्या क्या मिलेगा देखने को। हाँ एक और चीज़, अपने ताजमहल से ना मैं देख रहा था आगरा फोर्ट दिख नहीं रहा था प्रॉपर, नहीं कहूँगा यह है कि उसकी बाउंड्री दिख रही थी। अरे बाप रे तो बहुत बड़ा है यार। खैर बड़ा तो होगा ही, आखिरकार ये रेजिडेंस था। मैं तो अभी इसी को देख रहा हूँ कितना बड़ा है ये। ओहो माँ कसम मैंने इतना बड़ा आज से पहले महल नहीं देखा होगा। ये महल नहीं है एक्चुअली, ये रेजिडेंस है, अब महल है पता नहीं यार, पर ये बहुत बड़ा है, बस बहुत ज़्यादा बड़ा। तो यार हमने सोचा बड़े भैया किले की शुरुआत घूमने से पहले हमने कहा जूस तो हो जाए ताकि घूम सके हम अच्छे से एनर्जी के साथ। वाह एक जाम अज्जू भाई के नाम, 50 रुपए एक बंदे का है। तो गाइस हमने टिकट ले ली है, यहाँ अंदर आने का भी चार्ज है 50 रुपए पर पर्सन, वैसे वहाँ पे 40 रुपए लिखा है पर 10 रुपए पता नहीं क्यों। ओ भाई साहब कौन सी जो मैं बोल रहा था वो चैन लगे ना उसका। तो भाई यहाँ से किले की एंट्री है, आई डोंट नो ये गेट मेन है कि कौन सा है, बस इतना है कि एंट्री हो रही है। बाकी ये देखो ये ना किले के पूरे चारों ओर है, पूरे चारों ओर, इसमें पानी रहता था, इसमें मगरमच्छ रहते थे, कोई इसमें आ नहीं पाता था भयंकर। ये वो निकासी का है ना। बाकी यार यहाँ पे गेट है जिसमें चैन वैन लगी है, उस समय ऐसे होता था फाइट वाइट हो जाती थी तो ये दरवाजे बंद हो जाते थे, बट अगर ये भी, हाँ अगर ये भी पार हो गया ना तो, बट इसके अंदर भी बहुत गेट है ये फुल। मैं तो ये सोच रहा भयंकर ये क्या सीन है, तो बहुत गहरा है यहाँ से कोई सेना कूद सकता है, कोई नहीं चढ़ेगा। अरे सो मगरमच्छ रहते थे भाई, सिक्योरिटी चेक हो रहा है तगड़ा वाला गाइस। तो यार ये गेट भाई बैंग कितना बड़ा है ये, पहला पड़ाव मुगल डायनेस्टी है। जब दुश्मन यहाँ घुस जाएगा फिर दुश्मन के लिए एक और गेट रहता था यहाँ पे भी फोड़म फाड़ी होती थी, बहुत महंगा फोड़म फाड़ी, तोप तो यहाँ बहुत महंगा फोड़म फाड़ी होती थी गाइस। इस चीज को जरूर स्क्रीनशॉट लेना भाई, ये एकदम मना है यहाँ, ये भाई तोप, ओ भयंकर, ओ भाई साहब निकलेगी तो नहीं बाहर। तो अभी अज्जू भाई और मैं इसमें बारूद भरने वाले हैं, बारूद भर के इसे हम उठा भी, इसे हम हिला भी नहीं सकते बैंग, क्या है ये सिर्फ तोप का एक मुंह है आई थिंक, एक्चुअल में तोप नहीं है ये, तोप की बस 20% है, डिसमेंटल हो रही है, फूटी पड़ी है यहाँ पर। और आप पहला गेट ये है, दूसरा गेट ओ यहाँ पे होती थी फायरिंग, जो फंस गया बीच में आ गए हैं बस। बैंक दरवाजा देखो भाई, दरवाजे का मोटापा दिखाता हूँ मैं आपको, इससे तो गोली भी पार ही जाएगी, ये लकड़ी वैसी नहीं है, इतना मोटा है ये लकड़ी बाबरे। तीसरा गेट, तीसरा पड़ाव बैंकर भाई साहब भाई ओ भयंकर कितना बड़ा है ये भाई। एक गेट और है, भाई यार ये गेट नहीं है ये, मतलब है यहाँ पे चेकिंग वेकिंग होती होगी उस वक्त है ना, अरे हम तो खुद ही गाइड है भाई, अंदर आके भी इतना स्पेशियस है ना,
बहुत ज्यादा कह रहे हैं कि 2 किलोमीटर में फैला हुआ है, लग रहा है यहीं से ही भाई साहब। तो भाई यहाँ पे मैं आपको क्या क्या बताऊँ, पर जितना मेरे नॉलेज में होगा मैं इतना आपको बताऊंगा। अच्छा जो आप ये देख रहे हो इधर और इधर, और ये स्लोप देख रहे हो सीधा ढलान नीचे जा रही है, ये ढलान इसलिए है, इसके पीछे भी लॉजिक है। एक्चुअली जब दुश्मन दोनों गेट पार कर देता, तीसरा गेट ये वाला था, तीनों गेट पार करके जब यहाँ आता था ना, इधर से हॉट वाटर, इधर से हॉट वाटर, मेरे इधर इधर से दोनों साइड से हॉट वाटर। अब वो स्लोप में नीचे आता था, इस तरह दुश्मन फिसल जाता था। ऑब्वियस यार गर्म पानी कौन झेल पाएगा, हॉट वाटर भी दो आ गया है, तो एक तरह से प्रोटेक्शन है पूरी। अभी भी हम एक तरह से प्रोटेक्शन में है पूरे किले की, अभी तो किला अंदर है भयंकर। ओ भाई इससे निकलता था गर्म पानी भाई सा, ग्राउंड दिख रहा है इससे भयंकर, इतना बड़ा ये गोल्फ कोर्स राजा का। उधर चलते हैं। सो यार बेसिकली ये अभी सेंटर है, पूरे सेंटर भी नहीं कह सकते। यहाँ से देखो एंट्रेंस होगी है, स्लोप से ऊपर आए, यहाँ पे पूरी सेना वगैरह ही रहती थी। ऑब्वियस यार अकबर का ये पूरी डायनेस्टी जो भी था ना, जो भी उनके यार अपने सैनिक वैनिक थी, पूरी उसका रेजिडेंस था ये, यहाँ पर रहते थे। अब लगा लो उस वक्त पे कितने रहते होंगे। सो ये है बाट, ये देखो भाई सही है, मुझे भी देखना है ऊपर गाइस। आपने इतना बड़ा स्विमिंग पूल देखा, एक्चुअली ये जहांगीर का स्विमिंग पूल है। सो गाइस दिस इज पार्ट टब, पहले मुझे भी यकीन है, मुझे लगा ऐसे पत्थर होगा। ये देखो ना इसमें अंदर भी सीढ़ी लगी गाइस नीचे, वही से चढ़ने का भी है इसमें। कितना गहरा मतलब पूरा भाई पार्ट टब, किसका है ये? अच्छा जहांगीर का है ये। तो जहांगीर आपको पता होगा अकबर के बेटे थे, अकबर और जोधा बाई के। और ये देखो स्विमिंग पूल, सीढ़ियां भी है भयंकर, ये देखो नीचे उतरने के लिए। भाई चले इसे लेके चले भाई, कितना बड़ा है ये भयंकर, इसमें तो बंदा डूब जाएगा। तो मेरे पे एक क्वेश्चन है, पता नहीं ये बीच में क्यों रखा हुआ, यहाँ पे तो नहीं रहता होगा जहांगीर, ये अंदर अंदर कहीं रहा होगा ना, तो उसे बाहर कर दिया, बट इट्स गुड। तो अभी मैं आपको एकदम रॉ फुटेज दिखा रहा हूँ गाइज, मैं भी चाहता हूँ आप भी मेरे साथ साथ ये आगरा फोर्ट देखें। ओ माय गॉड, अंदर जाके ये बहुत, ये पेंट तो खैर अभी हुआ है। ओ भाई साहब, ये तो अभी कंस्ट्रक्ट हुआ है, थोड़ा टूट टूट गया होगा ना भाई साहब। ऐसा हमारे गांव में भी है। ये है क्या? ये मेरे ख्याल से ना यहाँ पे रहते थे लोग। इतना बड़ा है भाई, हम अंदर ही अंदर खो गए अभी। ये देखो भाई दरवाजे ही दरवाजे, अब हम दूसरी साइड आ गए हैं। यहाँ से ताजमहल दिख रहा रे। तो यहाँ से है ये वो जगह जहाँ से जब ताजमहल बन रहा था उसकी निगरानी की जाती थी। ओए वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, पुलिस वाला बोल रहा है। टूट रहा है वो, मरने है क्या वो जाके? वो दिख रहा ताजमहल यहाँ से, वो रहा ताजमहल रहेगा क्या? देखो ना जन्नत भाई साहब, ये देखो ना गाइज, आप देख पा रहे होंगे नीचे पे भी नदी है, वही है ना पूरे किले के, और घूमी पड़ी है वो नदी। भयंकर, तो क्या कितना देखे इसको, मन भर गया है देख देख, बहुत ज्यादा ऐसी हुआ पूरा था यार। कैसी चीज है यहाँ पे कि ना बंदा मजबूर हो जाएगा, हिस्ट्री सोच सोच के ना बंदा यहाँ पे पागल हो जाएगा कि यार ऐसा था, क्या था, कैसे होता था, कैसे रहते थे। अभी तो जबकि हमने मुश्किल से 5% ये कवर किया, ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। आपको पता है 2 किलोमीटर बहुत होता है, अभी तो हमने 100 मीटर भी कवर नहीं किया ठीक से, अभी तो हम यहीं खो गए थे इसके बीच में। तो अभी हमने जो पार्ट स्टार्टिंग में कवर किया था ना, ये शाहजहां महल है गाइस, प्लीज़ इसे पढ़ लेना स्क्रीनशॉट मार के, यहाँ पर लगा रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या बैठक था, क्या रूम थी, बट ये है कि भयंकर अंदर ही अंदर है गाइस, ये बहुत ज़्यादा। देखो मैं अभी यहाँ से घुसता हूँ ना,
तो यहाँ पहुँचता हूँ। अब ये क्या रहा होगा, देखो ना यहाँ से बाहर का है। अब इसका क्या मतलब है कुछ नहीं समझ आ रहा। ये तो अब हम ये कहाँ आ गए, ओ भाई यहाँ भी बैंक कुछ नहीं है। ये कौन सी साइड आ गए हम, अजीब सी स्मेल आ रही है ना, जैसे कुछ सड़ रहा है, अजीब सी स्मेल आ रही ना। तो आएगी पर सड़क में वो भयंकर की कितनी भयंकर स्मेल आई यहाँ पे। ये देखो यार तुम, ये क्या है, ओ भाई हेलो कोई है, ओ कोई है भयंकर। ये लिखा है बाहर पे, लिखा है बाहर पे लिखा है। तो यार जो ये बाबर की बावड़ी और छत पर बने तालाब स्थान जहाँ बाबर के, गाइस इसे प्लीज पढ़ लेना। ये देखो ये स्टेयर्स हैं, उस समय की स्टेयर्स, बाप रे भयंकर। वहां से बाहर निकले तो भाई ये देखो ना तुम, पत्थर वाला गया, पूरा पत्थर है, ये पूरा पत्थर है। अब यहाँ पे नकाशी वाला सीन हो गया, नकाशी वाला भाई सा, कितने ओल्ड वाले अभी भी, सबका सब वही ओल्ड का ओल्ड है। ओके पहले वहां जाके चलते हैं, क्योंकि देखो मेरे को जितनी नॉलेज है मैं उतनी ही शेयर करूंगा, एंड सन ऊट पटांग ही बोलूंगा। अब ये क्या है आई डोंट नो, वहाँ पे वो लिखा हुआ है उस पर पढ़ते हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना ठीक है। मैं तो आपको अच्छे से नहीं बता पाऊंगा, बट वो जहाँ पे लिखा हुआ है वो आपको ज़्यादा अच्छा बता देगा कि ये एक्चुअल में ये क्या है, ये गैलरी है क्या है ये, देखो कितना बड़ा है ये भयंकर। तो इसमें लिखा है तहखाना और फांसी घर, ये कुछ ऐसा कुछ लिखा है इसमें, प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट ले लेना ठीक है। तो ये कुछ नीचे जाने का रास्ता है, यहाँ हम नहीं जा सकते, बाप रे। अब मैं कोशिश करता हूँ, हाँ ये वो वाला फांसी घर नहीं है पर ओके। तो आप इसको ज़रूर पढ़ें, इसके प्रथम तल पर एक अष्टभुज कमरा है जिसमें फांसी घर बना हुआ था। इसमें 18.5 फीट लंबा लकड़ी का शहतीर अभी भी लगा है। यहाँ हरम की मर्यादा को उल्लंघन करने वाले अपराधियों को गुपचुप रूप से फांसी दे दी जाती थी। आगरे के किले में मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा खजाना रखा जाता था। ओके तो जितना मेरी नॉलेज में है, जो हरम में ऑब्वियस लेडीज वगैरह रहती थी, अगर वहाँ पे कोई रूल एंड रेगुलेशन ऑब्वे कर देता था, तोड़ देता था, तो उसको सजा वजा मिलती थी यहाँ पर। बाकी एक तरह से नीचे ना वहाँ पर एक बैंक भी है जहाँ पर पूरा मुगल डायनेस्टी का गोल्ड वगैरह रखा होता था, गोल्ड ही चलता था उस वक्त, चेक वगैरह तो अभी से आने लगा।